आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ रही दहशत, पीएम मोदी कल करेंगे कोरोना की स्थिति पर बैठक। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान। यूपी में सपा नेताओं और उनके सहयोगियों पर आयकर की बड़ी कार्रवाई, 800 करोड़ के घोटाले और टैक्स चोरी का खुलासा। 50 लाख गन्ना किसानों को साधने में जुटी योगी सरकार, 10 रुपए बोनस देगी देने की तैयारी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सोनभद्र में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए रॉबर्ट्सगंज के हाईडी मैदान में आएंगे। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी टीके शिबू ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में लगभग 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आगे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र आ रहे हैं और गाजीपुर से चलकर चंदौली होते हुए सोनभद्र आ रही जन यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा है जो गाजीपुर से चली है और चंदौली होते हुए तिवारीपुर में उसको हम लोग को रिसीव करना है, फिर बेलखुरी में स्वागत है और फिर उसके बाद यहाँ बड़ी सभा है। इस बड़ी सभा में माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है और जनता में उत्साह है, लोगों में उत्साह है उनको सुनने के लिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और 50,000 से कम लोग नहीं आने वाले हैं इस पूरे जन विश्वास यात्रा में। रथ यात्रा के साथ और कौन होंगे मंत्री या नेता, बड़े नेता? यात्रा के साथ लगभग 100 लोग चल रहे हैं और लगातार वो उस यात्रा में हैं और सब लोग उस यात्रा में रहेंगे। चेहरा बताइए जो चर्चित हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आगे किसी की चर्चा कहाँ हो पा रही है? इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो गई है, ऐसे हमारे सहारनपुर पहुंचे भाजपा की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को बिजनौर से रवाना हुई भाजपा की जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरनगर और देवबंद के रास्ते होती हुई सहारनपुर महानगर पहुंची। इस जन विश्वास यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, देवबंद नगर में इस यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा बनकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद ये यात्रा नागल होते हुए गागलहेड़ी क्षेत्र पहुंची जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। मुझे आज हमारी यात्रा का जो पश्चिम क्षेत्र की छठी यात्रा है प्रदेश की, हम लोग आज सहारनपुर के सहारनपुर नगर देहात विधानसभा के अंतर्गत कोटा गांव में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया है और पूरे प्रदेश में और पूरे क्षेत्र में जिस तरह यात्रा को समर्थन लग रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और हमारी खबर औरैया से है जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब और अनियमित तरीके से हो रही शराब बिक्री जैसे कई मुद्दों को उठाया गया। जिला आबकारी विभाग ने अभी अनुज्ञापियों को साथ सामूहिक बैठक की है और इस दौरान उन्होंने विशेष निर्देश भी दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र नाथ पांडे के अलावा आबकारी निरीक्षक और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। मतदा को लेकर जो शहर में हमारा मई चले, आपके द्वारा किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अवैध मदरा को लेकर हमारे द्वारा लगातार अभियान चल रहा है। पुलिस के सहयोग से टीमें गठित की गई। अब इधर चूंकि क्रिसमस का त्यौहार नज़दीक है और नववर्ष है जिसमें पार्टियां लोग कर लेते हैं, तो उसको देखते हुए 22 तारीख से
5 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और हम लोगों के अभियान का असर ये रहा है विगत दिनों में कि हमारे 12 संदिग्ध ग्राम थे, जिसमें से अब 6 पूर्णतया निकाल दिए गए हैं। शासन से हमें जो है उसकी अनुमति भी मिल गई और वहाँ से अनुमोदित होकर लिस्ट आ गई है। अब हमारे केवल 6 गाँव मेन रह गए हैं। रायबरेली के उद्यमियों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर तले अपना 9 सूत्रीय मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि जो पार्टी उनकी मांगों को मानेगी वो उसी को वोट देंगे। उद्यमियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में 89,99,000 की एमएसएमई इकाई है। उद्यमियों का सीधे तौर पर कहना है कि इंडस्ट्री से जुड़े 9 मांगे हैं, जो भी पार्टी उनको पूरा करने का वादा करती है उसी को वोटों का लाभ मिल सकता है। उद्यमियों ने जिन 9 मांगों की लिस्ट जारी की है उनमें लीज भूमि को फ्री होल्ड करना, औद्योगिक परिसंपत्तियों पर टैक्स आवासीय भवनों से कम करना, मंडी शुल्क को शून्य करना और विधान परिषद में एमएसएमई का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। आज नगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अंबेडकर विश्वविद्यालय के 86वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का एनएसयूआई और सपा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी ने तत्काल छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। अलीगढ़ में शहर के नामचीन होटल मेल रोज इन के मैनेजर पुष्प कुमार का शव मिला है। पुष्प कुमार हमेशा की तरह घर के लिए निकले थे, जिसके बाद मैनेजर की स्कूटर और फोन गायब हो गया। मैनेजर के बेटे ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस को खैर क्षेत्र के पलवल मार्ग के किनारे युवक का शव मिला है। खैर थाना क्षेत्र में ये जो शव मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? कल शाम की घटना है, जिसमें खैर क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला था रोड किनारे, और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो यहाँ पर सासनी गेट क्षेत्र का रहने वाला पुष्पेंद्र वाशनी नाम का व्यक्ति है। और इसमें इसके परिवारजनों की तरफ से इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। बॉडी पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी और पोस्टमार्टम में जैसे ही उसकी मृत्यु का कारण पता चलता है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। आज खैर क्षेत्र में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जो है डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त की गई है। बॉडी जो है पुष्प कुमार वार्षिने है, जो खिरनी गेट चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं उनकी है, और अभी तक बॉडी पर कोई जाहिरा चोट नहीं है, इसलिए मौत के कारण जानने के लिए व अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में सरकार की योजना रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान में शामिल किए जाएगी। इस योजना के तहत मंदिरी हवाई अड्डे से विधानसभा चुनाव के उड़ान भरने की तैयारी शुरू हो गई है। उड़ान की तैयारी में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिले के अधिकारी ने इन तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए, एयरपोर्ट में एक नए मैनेजर श्री योगेश भूषण जी की नियुक्ति हो गई है। उन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए SP ट्रैफिक को नामित कर दिया गया है और इसके अलावा शेष प्रशासनिक कार्य देखने के लिए ADM प्रशासन मुझको नामित किया गया है और सारी कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जा रही है। क्या कैसा सुविधाएं होंगे, क्या संभावित है, कब तक उड़ान होगी? देखिए, पूरा हम लोग बड़े तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप और फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें लाने की कार्रवाई क्रियाशील है। जैसे सारी चीज़ पूर्ण हो जाएगी, यथाशीघ्र इसको जो है चलाने का संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। देखिए, उसमें एयरशिप जो है उसमें जो एक मानक होता है कि जो उसकी एयरशिप होती है उसमें फ्रिक्शन होता है,
विमान के बिल्कुल सुरक्षापूर्ण तरीके से उतरने और टेक ऑफ लेने के लिए उसका एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन होना चाहिए, तो वो मेंटेन करा लिया गया है। तो उसके लिए स्पेशली एक टीम बुलाई गई थी जिसने कि कुशीनगर में भी उसको हवाई पट्टी को ठीक किया था, तो उनके द्वारा वो कर दिया गया है। अब उसमें मार्किंग चल रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे पेंट मार्किंग्स होती हैं मानक के अनुसार, तो मार्किंग चल रही है जो कि 2 या 3 दिन में पूरी हो जाएगी। जो सूचना प्राप्त हुई है करीब 25 तारीख के आसपास एविएशन मिनिस्ट्री से एक टीम आएगी जो पूरे एयरपोर्ट। खबर चंदौली चकिया कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव की है जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान एक अनियंत्रित मैजिक ने किशोर को रौंद दिया जिसके बाद घटनास्थल पर किशोर की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मैजिक समेत चालक को कब्जे में ले लिया। तो गाड़ी ने किशोर को रौंद दिया, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चंदौली से ये खबर सामने आई है जहां आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, वहीं अब की बार चंदौली चकिया कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव से ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां अनियंत्रित मैजिक ने किशोर को रौंद दिया जिसके बाद घटनास्थल पर किशोर की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मैजिक समेत चालक को भी कब्जे में ले लिया। देवरिया में चिकित्सकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बाबू मोहन सिंह जिला चिकित्सालय MCH विंग इमरजेंसी मगोरख वर्मा नाम के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर समय से चिकित्सक ने इलाज किया होता तो वो बच सकता था। नाराज परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा किया और मेन गेट पर प्रदर्शन भी किया। खबर कन्नौज से है जहां पर घर के बाहर आग ताप रही 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को अकेला पाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और मौके पर SP प्रशांत वर्मा पहुंचे। ये घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु सौसैया अस्पताल में लाया गया है जहां पर उसकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कर शीघ्रातिशीघ्र आरोपी को दंडित करवाया जाएगा। हमारा नाम शंभुलाल जी, क्या मामला हुआ है? मामला लालकपुर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई, कब हुई? हमको तो थाने से फोन गया था, क्या मामला हुआ जानकारी की। बच्चे की लगभग उम्र कितनी होगी? बच्ची की उम्र लगभग 4 साल। अभी फिलहाल कहाँ है बच्चे? रायबरेली के डलमऊ थाना इलाके में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। ये गांजा हाथरस से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई के लिए जाया जा रहा था और पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान तस्कर पकड़े गए, जिनके कब्जे से 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। यहां पुलिस ने गश्त के दौरान एक ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें घरेलू सामान लदा हुआ था। पुलिस ट्रक को छोड़ने ही वाली थी कि तभी टीम के एक सदस्य को शक हुआ, जिसके बाद दोबारा ट्रक की गहनता से जांच की गई तो उसमें बनाए गए एक केबिन में 7 बोरियों से भरा गांजा बरामद हुआ। आदेशानुसार पूरे जिले में चलाए जा रहे चेकिंग और सघन अभियान के दौरान थाना डलमऊ की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से ट्रक के अंदर से बने हुए केबिन में 1 क्विंटल 40 किलो गांजा 7 बोरियों में बरामद हुआ। इसके साथ उसके पास से 2 फोन और कुछ नकद रुपए भी बरामद हुए और ये व्यक्ति राम कुमार पुत्र नेम सिंह है जो हाथरस का रहने वाला है
और ये पूरी सप्लाई लेकर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी लेके जाना इसको पाया गया। इस खुलासे की टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़े हुए हैं। ओम शंकर, पुलिस को किस बिना पे शक हुआ था? क्या उन्हें कोई पहले से सूचना मिली थी कि गांजा इस रास्ते से जाने वाला है? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है ये नहीं चुनाव के मद्देनजर जो है वो रात चेकिंग के दौरान जो है क्या कहते हैं कि ये लोग बराबर चेक कर रहे थे, लेकिन जो है बिल्टी कहीं और की थी और गाड़ी कहीं और जा रही थी, तो उस अंतर को देखते हुए और ड्राइवर के हाव भाव को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को शक हुआ। जब गाड़ी की तलाशी ले गई तब उसमें से जब ये गाड़ियां निकला तो हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भौचक्का रह गया कि इतनी ज्यादा मात्रा में गांजा ये लोग तस्करी कर रहे थे। और ये गांजा जो है अक्सर उड़ीसा से के रास्ते जो है जिलों में विभिन्न जिलों उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सप्लाई की जाता है। जी ओम शंकर, कितनी कीमत बताई जा रही है इस पूरे गांजे की? हाँ, गांजे की कीमत कम से कम 3 से 4 लाख के आसपास की बताई जा रही है और बरामदगी के लिए जो है टीमें गठित कर गई है, क्योंकि एक दो ट्रक नहीं कम से कम एक दर्जन से ज्यादा ट्रक जो है निकलते हैं, वो बिल्टी कहीं और की बनवाते हैं और रूट बदल जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं सर मैं रास्ता भटक गया था, रास्ता भूल गया था, लेकिन अब की बार ये बहुत बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। वहीं अब खबर फरुखाबाद से है, जहां कोतवाली कायमगंज के परि अस्पताल में परिजन गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने आए थे, जहां महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कोई भी डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं था, जिसके चलते प्रसूता की तड़प तड़प कर मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ महिला को छोड़कर फरार हो गया। सिवारा से थोड़ा जस्ट अगला 4-5 किलोमीटर। क्या नाम है? आरती। क्या हो गया? इसे डिलीवरी थी इसकी, हम यहाँ पर लेके आए, हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड दिखाओ, अल्ट्रासाउंड दिखाया कि हाँ ठीक है, हम मालूम ऑपरेशन भी होगा, ब्लड की जरूरत पड़ेगी ब्लड भी है अपने पास, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मान लीजिए ऑपरेशन कर देंगे। कौन से अस्पताल लेके आए थे? परी हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे जब सुबह की पारी 4:30 बजे जब इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो डॉक्टर साहब बोले जब इसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, इसके मुंह से झाप निकलने लगा, तब इंजेक्शन लगाने के कारण ये बोले कि इसे बाहर लेके जाओ, तो जब तक हमने इसके बेड पे उठाया तब तक ये लड़की ख़त्म हो गई। तो कितना पैसा आपसे लिया? सारा शुरू से एंड तक का हमारा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, कितना स्टाफ है इस हॉस्पिटल में और जब प्रसूता पहुंची तो वहां पे कितने लोग मौजूद थे? जी, कायमगंज कोतवाली के हॉस्पिटल परी हॉस्पिटल का मामला है और यहाँ पर जब प्रसूता पहुंची कोई भी ट्रेंड वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, ना ही नर्सिंग स्टाफ था, उसी की वजह से वहाँ पर प्रसूता की तड़प तड़प कर मौत हुई। और जब परिजनों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे हंगामा काटा तो वहाँ का जो स्टाफ था, जो कुछ बचा कुचा स्टाफ था, वो भी वहाँ से अस्पताल छोड़ के फरार हो गया। और जैसा की आप देख रही है लगातार फरुखाबाद में अवैध हॉस्पिटल्स की भेंट चढ़ते चले जा रहे हैं, मरीजों की तड़प तड़प के मौत होती है और ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर अवैध अस्पतालों के कारण मरीजों की मौत हो चुकी है। फरुखाबाद शहर में भी बहुत से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, सीमो की कार्रवाई के कारण ये हॉस्पिटल के मालिकों के हौसले बुलंद हैं, अवैध हॉस्पिटल निरंतर जारी हैं, कोई भी बड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। अगर बड़ी कार्रवाई हो जाती तो इन अवैध हॉस्पिटल्स के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई होती तो इनके अंदर एक भय व्याप्त होता और इन हॉस्पिटल्स पे ताला होता, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही इसीलिए अवैध हॉस्पिटल निरंतर जारी है और रोज कोई ना कोई एक ऐसी घटना आती है, दुखद सूचना आती है जिसमें मरीज की मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, डॉक्टर है वो झोला छाप डॉक्टर है। जी, तो अवैध तरीके से जो ये अस्पताल चल रहा है, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतने लोगों की जान जा रही है, डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? अधिकारियों के पास हर जगह की सूचना है लेकिन अधिकारी यहाँ पे मौन बने हुए हैं, वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनती है। अगर वो कार्रवाई करते तो इन मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, जो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं अवैध हॉस्पिटल के कारण मरीजों की मौत हो रही है। जी सुंदरम, जो ये घटना सामने आई है क्या इसकी शिकायत पुलिस में की गई है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? जी अभी पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस वहाँ पर तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जी, तो जितने भी डॉक्टर उस वक्त गायब थे उनके ऊपर क्या कुछ जांच होनी चाहिए सुंदरम?
जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पहले तो यह सत्यापन होना चाहिए कि वहां पर कोई डॉक्टर था या नहीं था। जो सूचना मिल पा रही वहां पर कोई भी एक डॉक्टर नहीं था, जो कुछ स्टाफ था वो भी बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं था, और इसी कारण से वहां पर प्रस्ता की हालत गंभीर हुई। जब हालत गंभीर हुई तो जो कुछ बचा हुआ स्टाफ था वो भी उन्हें छोड़ के भाग गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। वहीं अब अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को रवाना किया गया है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा देवबंद के रास्ते होती हुई सहारनपुर महानगर पहुंची। इस जन विश्वास यात्रा का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। सर्किट हाउस सभागार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। प्रेस वार्ता देखने को मिली है, भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया है। सहारनपुर पहुंची है भाजपा की जनविश्वास यात्रा, अलग अलग जिलों में जा रही है। वहीं अब सहारनपुर में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रसार प्रचार करने के लिए अब उसे आगे रवाना किया जा रहा है। भाजपा की जनविश्वास यात्रा देवबंद के रास्ते होती हुई सहारनपुर महानगर पहुंची। इस प्रकार का आशीर्वाद और इसने प्राप्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सब, जैसा मैंने बताया, सभी क्षेत्रों में काम किया और जो संकल्प पत्र के विषय थे उन्हें सबको हमने पूरा किया, और मुझे विश्वास है इस प्रदेश की महान जनता एक बार पुनः हम लोगों को आशीर्वाद और इसने देगी, और हम लोग पिछली बार से भी अधिक जन समर्थन प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां सिरसोटी गांव के महुआ बारी में अचानक लगी आग से लगभग 45 वर्षीय विकलांग वृद्ध की जलकर मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और इस दौरान मौके पर मौजूद थाना प्रभारी बीजपुर ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां मिल एरिया थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 3 नाइजीरियाई ठग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये गिरोह विदेश से आए पार्सल के नाम पर ठगी करता था। बीते दिन महिला के साथ इस गिरोह ने 32 लाख की ठगी की थी। ठगी का शिकार हुई महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में टीम की गठित की थी, और जिसमें इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़े हुए हैं। ओम शंकर, जिस तरह से ठगी गैंग गिरोह था, इसके कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कब से ये गैंग एक्टिव था? देखिए, ये जो है रायबरेली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता है। 3 नाइजीरियाई ठगों को दिल्ली से पकड़ा गया है, और आपको बता दें ये अंतरराष्ट्रीय ठग हैं। ये जो है विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर जो है लोगों को लालच देते हैं और उनसे एडवांस में पैसा मंगाते हैं। इसी इनकी योजना में रायबरेली शहर की ही एक महिला जो है वो इनके झांसे में आ गई, और उसने 32 लाख रुपए इनको दिए। जी, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरह से ये लोग ठगी करते थे? जी हाँ, जब उस महिला ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत की है तो पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित कर दी थी। वो टीम जो है लगातार इनके फोन नंबरों को सर्विलांस में लेकर सुन रही थी। उसके बाद से दिल्ली से इनको जो है कल सुबह 5 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया, और उसको गिरफ्तार करने के बाद उन तीनों को लेके आई, उनके पास से लैपटॉप और कम से कम जो है 1 दर्जन के आसपास मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।